इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज सबसे अहम बजट का ऐलान रहा। बजट को लेकर मरकजी हुकूमत अपनी पीठ थपथपाते थक नहीं रही, वही विपक्ष और अवाम में बजट को लेकर नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। बजट 2021-2022 को लेकर आम आवाम को बड़ी उम्मीदें थी कि उसे कोई राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं दिखाई दिया। ऐसा माना जा रहा है कि आर्थिक मंदी यानी माशी बदहाली में लोगों के हाथ में पैसा देने के लिए उसके बराए रास्त टैक्स की शरह में कमी की जाएगी, लेकिन इस पर कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि सरकार ने अपनी तकरीर में सरकारी मिल्कियत के लगातार विनिवेश डिस इन्वेस्टमेंट पर ही जोर दिया गया। वजीर खजाना ने ऐलान किया कि BPCL का डिस इन्वेस्टमेंट अगले माली साल में होगा। निर्मला सीतारामन ने इंश्योरेंस सेक्टर में FDI लिमिट 49% से बढ़ाकर 74% करने का ऐलान किया। इंश्योरेंस एक्ट 1938 में तरमीम किया जाएगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने अगले साल 2022 के लिए 1.75 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट का मकसद रखा है। मोहतरमा निर्मला सीतारमन ने 2021-2022 के लिए बजट तकरीर में कहा कि गेल इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन और HPCL की 20 पाइपलाइन को बाजार पर चढ़ाया जाएगा। यानी आम जबान में कहे तो सरकार ने इसको सरकारी हिस्से को बेच दिया, जबकि नेशनल हाईवेज को भी निजी हाथों में दिया जा रहा है। किसान और किसानी को लेकर भी कोई बड़ी राहत नहीं दी गई, बल्कि कर्ज के दायरे को ही बढ़ाने की कोशिश की गई। निर्मला सीतारमन ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में एग्री क्रेडिट के मकसद को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए करने का ऐलान किया, लेकिन देश भर के किसान लगातार पूरी तरह कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं, उस पर सरकार कोई बात नहीं कर रही। देश भर में किसान अपने फसल के वाजिब दाम के लिए एहतजाज कर रहे हैं। ऐसे में बजट के दौरान वजीर खजाना ने कहा कि सरकार किसानों के भलाई के लिए ही काम कर रही है। सभी कमोडिटी के लिए किसानों को 1.5 गुना MSP दी गई, लेकिन क्या ये सही है, क्योंकि किसानों का कहना है कि उसके फसल की उसे लागत भी नहीं मिल रही। दूसरी तरफ किसानी की लागत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीज, खाद और डीजल से लेकर सबके दाम बढ़ाए जा रहे हैं, उसके मुकाबले में उसे उसके दाम नहीं मिल रहे। मजदूर के लिए अभी कोई पुख्ता यकीन दिहाई नहीं दी, बल्कि जिसकी वो मुखालफत कर रहे हैं उसका ही तारीफ सरकारी तकरीरों में किया जा रहा है। लेबर कोड का मजदूर लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसकी भी खूब तारीफ की है। मजदूर तंजीम इदारे लगातार सरकारी PSU के डिसइन्वेस्टमेंट की मुखालफत कर रहे, लेकिन सरकार पूरी तरह बेचने की तैयारी में है। कुल मिलाकर आज का बजट आम इंसानों के लिए कोई इत्मीनान बख्श नहीं रहा। वैसे करोड़ों के ऐलान करने में पहले से ही सरकार माहिर है। जमीनी सच्चाई यही कि मुल्क में गरीब, मजदूर, किसान, आम इंसान बेहद परेशान है। मरकजी हुकूमत भले ही अपनी तारीफ करने में मसरूफ हो, बजट में सरमाएदार अमीरों का ही फायदा होता दिखाई दे रहा है। विपक्ष ने आज के इस बजट पर इस तरह बयान फरमाया। कांग्रेस का ही राहुल गांधी ने इस बजट को भारत को बेचने वाला बजट कहा, तो मोदी सरकार ने मुट्ठी भर सरमाएदारों के हाथ सब कुछ बेचने का फैसला कर लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि आवाम को धोखा देने वाला बजट है। पंजाब के वजीर आला अमरिंदर सिंह ने कहा कि गैर BJP हुक्मरानी वाली रियासतों को मुस्तकिल कोशिशों के अक्साई है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह बजट चंद अमीर कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाला है। बढ़ती कीमतों के मद्देनजर आम इंसानों के लिए सिवाय परेशानी के कुछ भी नहीं है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि सिर्फ अमीरों के फायदेमंद बजट है। मजदूर किसानों को मुसीबत में धकेलने वाला बजट है। BSP सुप्रीमो मोहतरमा मायावती ने कहा कि करोड़ों गरीब आवाम, किसान और मजदूर तबका पुरकशिश वादों और खोखले दावों से तंग आ चुका है। वही भाजपा, RSS और मरकजी हुकूमत ने बेहद अच्छा बजट के तौर पर कहा। इतना जरूर है कि बढ़ती महंगाई और परेशान किसान और देश की तस्वीर का हम बढ़ते पेट्रोल दामों से ही अंदाजा लगा सकते हैं। आखिर हर रोज वादे, इरादे, कस्मे जो मरकजी हुकूमत और खासकर वजीर आजम मोदी की जुमलेबाजी अब देश की जनता को मायल नहीं कर सकती। किसान एहतजाज पिछले कई महीनों से जारी है। सैकड़ों किसान मर गए, पर महीनों बाद वजीर आजम ने जबान खोलते हुए कहा कि सिर्फ एक फोन कॉल की जरूरत है। लिहाजा इस पर भी विपक्ष ने कहा कि क्या इतने दिन से इन्हें किसानों के एहतजाज का इल्म नहीं था? जब इतनी मुखालिफत की जा रही है तो आखिर किसानों के काले कानून बनाए क्यों गए और क्यों कर इन्हें मंजूर किया गया? आखिर मोदी हुकूमत को किस बात की जिद है जब किसान इस बिल को रद्द करने के लिए लाखों की तादाद में जमा होकर घर दार छोड़कर एहतजाज कर रहे हैं?
तो हुकूमत पीछे क्यों नहीं हट रही? किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, गोलियां दागी गई, पानी के फव्वारे छोड़े गए। जब किसान देश का अन्नदाता है तो आखिर मोदी ने अडानी अंबानी के साथ ऐसा कौन सा मुआहदा किया है जो पीछे नहीं लिया जा रहा? उल्टा इस एहतजाज को नाकाम करने के लिए दीप सिंह सिद्धू जैसे भाजपाई और संघी दलालों के जरिए लाल किले पर चढ़ाई की। किसान लीडर राकेश सिंह टिकैत ने लाल किले की तरफ जाने के लिए रास्ता बनाना भी साजिश कहा। मरकजी हुकूमत ने किसानों के एहतजाज को खत्म करने के लिए मुकम्मल प्लान बनाया था, पर राकेश सिंह टिकैत के चंद आंसुओं ने इस एहतजाज में फिर जान भर दी और लाखों की तादाद में किसान फिर जमा हुए। अब यह एहतजाज नतीजकन मोड़ पर पहुंच चुका है। मोदी हुकूमत डरी सहमी हुई है। अब वजीर आजम मोदी को फोन कॉल याद आ रहा है। देश में अराजकता का माहौल बनने का अंदेशा है। हर महाज पर नाकाम मोदी सरकार सिर्फ धर्म के नाम पर बेवकूफ नहीं बना सकती। अवाम को कुछ हद तक समझ में आ रहा है, पर कुछ गोबर भक्त आज भी भले ही मोदी हुकूमत की तारीफ करते हो, पर धर्म मजहब हिंदू राष्ट्र का नशा जल्द उतरने वाला है, क्योंकि देश की बुनियादों में तमाम धर्म मजहब की कुर्बानियां दफन है। कुछ लोगों के नफरत की सियासत बड़ी अच्छी लगती है। नई नस्ल यानी नौजवानों में मुस्लिम माशरे को लेकर नफरत का जहर साजिश के तहत फैलाया जा रहा है। किसी तरह मुस्लिम समाज के बारे में गलतफहमियां, गांव के नामों को बदलना, लव जिहाद गोरक्षा के नाम पर मखसूस समाज को पीटना, खुद गोमांस को एक्सपोर्ट करके अरबों रुपए कमाना और 1 किलो गोश्त खाने वाले पर पाबंदी लगाना। अगर कानून बनाना है तो उन एक्सपोर्टरों के लिए भी बनाओ जो मुस्लिम नामों की कंपनियां बनाकर करोड़ों कमाते हैं, जिन्हें मोदी हुकूमत की हिमायत है। देश की जनता को हमारा सवाल है, आखिर किसी मखसूस समाज की नफरत में कितने जुर्म पर पर्दा डालते रहोगे? कब तक सिर्फ एक समाज को निशाना बनाने के लिए गलत कामों की हिमायत कब तक करोगे? अकलियती समाज सिर्फ 20% है। पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाते हैं तो सभी की जेबों से रुपये लूट लिए जाते हैं। अपनी आंखों पर लगी अंधबत्ती की पट्टियां हटाओ और सभी को मिलकर हमारे संविधान की हिफाजत करने के लिए एक बार फिर से देश में मोहब्बत भाईचारे की फिजा आम करने की कोशिश करें। अनेकता में एकता ही हमारी पहचान है और ये उन नफरत के सौदागरों को समझने की जरूरत है। भाईचारे की जड़ें इतनी मजबूत है कि सिर्फ कुछ सालों की हुकूमत अरसे से मजबूत जड़ों को उखाड़ नहीं सकती, क्योंकि मुल्क की तरक्की अमन अमान की फिजाओं में मुमकिन है। नफरत की आग में तो सब कुछ राख ही हो जाता है। अब कुछ मकामी खबरें। कॉर्पोरेशन चुनाव को लेकर कुछ साबिक कॉर्पोरेटरों ने अदालत में अर्जी दाखिल की है, लिहाजा सभी को क्या फैसला आता है इस पर तवज्जो है। हासिल तरह के मुताबिक 4 फरवरी को धारवाड़ अदालत की जानिब से फैसला सुनाया जाएगा। अदालत की जानिब से जल्द कॉर्पोरेशन चुनाव मुकम्मल करने की हिदायत दी गई थी और जिन एतराजात हैं अपने एतराजात को दर्ज करने का भी ऐलान किया गया था। वार्ड की तामीर 9 को लेकर अक्सर अवाम और साबिक कॉर्पोरेटरों और ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों में भी नाराजगी देखी गई। मराठी, कन्नड़ और उर्दू अवाम भी इस वार्ड रचना से नाखुश थे। उर्दू अवाम का कहना है कि पिछले कुछ चुनाव में 8 या 10 उर्दू कॉर्पोरेटर्स चुने जाते थे, पर मौजूदा वार्ड रचना से सिर्फ 2 या 3 ही जीत कर आ सकते हैं, क्योंकि वार्डों को जिस तरह से तकसीम किया गया है अवाम शको शुबात में है कि आखिर वार्ड शुरू कहां से होता है और खत्म कहां होता है। लिहाजा इसकी तरतीब को सही करते हुए वार्ड की तामीर 9 को सही किया जाए ताकि अवाम को भी समझने में आसानी हो सके। वार्ड पुनर्रचना को लेकर रियासत डीसी कॉर्पोरेशन अफसरान को नोटिस भी दी गई है। 4 फरवरी को अदालत की सुनवाई होने वाली है। बेलगाम में अक्सर फौज भर्ती को लेकर अतराफ और अतनाफ नौजवान आते रहते हैं। बेलगाम डीसी एमजी हिरमट ने दिगर महकमाओं के साथ मीटिंग तलब फरमाई थी। इस बार इस बात की तरफ तवज्जो दी जा रही थी कि उमूमन बाहर से आने वाले नौजवानों के लिए खाने पीने का तक इंतजाम नहीं किया जाता। सड़कों पर फुटपाथ पर सोते हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहता, लिहाजा सामाजिक खदमात अंजाम देने वाली तंजीमों की जानिब से इन्हें खाने पीने की चीजें मुहैया कराई जाती है। इस बार डीसी बेलगाम की तरफ से ऐलान किया गया है कि जो भी तंजीमें बतौर मदद कुछ खाने पीने की चीजें मुहैया करना चाहती है अपने नामों को दर्ज करे। थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और दिगर एहतियात का ख्याल रखने की भी हिदायत दी गई है। पीने के पानी के साथ मोबाइल टॉयलेट का भी इंतजाम किया जा रहा है। वाज रहे के 4 फरवरी को VTU इहाते में फौज में भर्ती का इजलास किया जा रहा है। इनके रहने की भी पिरनवाड़ी कल्याण मंडप में इंतजाम किया जा रहा है। इत्तेहाद न्यूज की जानिब से पिछली मरतबा देश के तहफ्फुज के लिए जो फौजी बनने वाले हैं इनकी कैफियत पर एक रिपोर्ट बनाई गई थी, लिहाजा इस मसले पर इंतजामिया की जानिब से शायद संजीदगी से अमल किया जा रहा है।
एक खास ऐलान, मदरसे का बच्चा लापता, नाम महमूदुल हसन इरफान चांद, उम्र 14 साल, यह लड़का 16 जनवरी 2021 से लापता हुआ है। अगर इसके मुतालिक किसी को कुछ खबर हासिल हो तो इन नंबरात पर रब्ता करें, नंबरात आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिरादरान, हम ये ख़बर आप हजरात की खिदमत में पेश कर रहे हैं कि मैं हाफिज़ इरफान अबू तालिब चांद, मेरा बेटा महमूदुल हसन 16 जनवरी 2021 रोज़ से लापता है। लिहाजा आप तमाम हजरात से गुजारिश करते हैं कि ये बच्चा 19 तारीख को बेलगाम शहर पहुंचा है। अगर जहां कहीं भी किसी को नज़र आए तो मंदरजा झील यानी मौजूद नीचे दिए गए नंबरात पर रابطہ कायम करें फौरन। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात।